हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट ऐसा आपको दिया है कि 3 स्टूडेंट्स के एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम हो और 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम ना हो, वो दोनों कैसी इवेंट हुई? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो सपोज इवेंट ए, 2 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव सेम बर्थडे, सो दैट मीन्स इवेंट ए बार 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब यहां पर 2 स्टूडेंट्स सेम के बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992, सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.992। नाउ पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू, जैसा कि हमें पता है फॉर्मूला, पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। सो 1 माइनस 0.992, सो दैट इज इक्वल टू 0.008। सबस्टिट्यूशन आपको यहां पर बताया है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो 3 रेड बॉल्स प्लस 5 ब्लैक बॉल्स, दैट मीन्स टोटल कितने बॉल्स हुए? 8। तो टोटल 8 बॉल्स है। कोई एक बॉल को हम रैंडमली बैग में से पिकअप करते हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। तो सबसे पहले हमें उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो बॉल निकाला गया वो रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सपोज इवेंट ए के अंदर जो बॉल ड्रॉ किया गया है वो रेड है। अब हमारे पास 3 रेड बॉल्स है, तो दैट मीन्स हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3। और हमारे पास टोटल कितने बॉल्स है? 8। यानी टोटल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे 8। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 3/8। अब इसको अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो डिनोमिनेटर में हमें 10, 100 या 1000 लाना पड़ेगा। तो 1000 लाने के लिए हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 125 से मल्टीप्लाई, तो 375/1000, दैट मीन्स 0.375। अगर आप यहां कर तक का सम करते हो तो भी उसके कोई मार्क्स कट नहीं होते। ये करना ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब हमें पूछा है कि रेड बॉल पिकअप किया जाए या रेड बॉल पिकअप ना किया जाए, तो ये दोनों कैसी इवेंट हो गई? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मीन्स बॉल इवेंट ए इज बॉल ड्रॉन इज रेड एंड इवेंट ए बार इज बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस 0.375, दैट मीन्स आंसर इज 0.625। अगर आप फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखते तो इसका आंसर मिलता आपको 5/8, और वो भी राइट आंसर ही है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी क्वेश्चन 8 के जैसा ही है। 5 रेड मार्बल्स है, 8 व्हाइट मार्बल्स है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है। तो 5 रेड, 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन, दैट मीन्स हमारे पास टोटल कितनी मार्बल्स हो गई? 17 मार्बल्स। 1 मार्बल इज ड्रॉन आउट ऑफ बॉक्स एट रैंडम। कोई एक मार्बल को रैंडमली ड्रॉ आउट किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, व्हाइट एंड नॉट ग्रीन। तो सपोज सबसे पहले फर्स्ट वन, तो सपोज इवेंट ए, मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 5। क्यों 5 हो गए? क्योंकि हमें कौन सी निकालनी है? रेड। और रेड मार्बल्स हमारे पास कितनी है? 5। इसलिए फेवरेबल आउटकम्स 5 और टोटल आउटकम्स, टोटल कितनी मार्बल्स है? 17। तो टोटल आउटकम्स 17, सो आंसर इज 5/17। उसी तरीके से इवेंट बी, मार्बल टेकन आउट विल बी व्हाइट, व्हाइट मार्बल निकलनी चाहिए। तो व्हाइट मार्बल हमारे पास कितनी है? 8। तो फेवरेबल आउटकम्स आर 8, सो पी ऑफ बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 8/17, सो आंसर इज 8/17। अब आपको क्या पूछा है कि थर्ड क्वेश्चन में नॉट ग्रीन मार्बल विल बी टेकन आउट।
ग्रीन मार्बल नहीं निकलनी चाहिए. तो इवेंट सी, मार्बल टेकन आउट विल नॉट बी ग्रीन. जो मार्बल निकाली गई है वो ग्रीन नहीं है. तो यहां पर समझना है कि मार्बल जो निकाली गई वो ग्रीन नहीं है, तो इसका मतलब ग्रीन नहीं होगी तो कौन सी होगी, आइदर रेड और व्हाइट. ये बात आपको खास समझनी है कि ग्रीन मार्बल नहीं निकलनी चाहिए, तो ग्रीन नहीं निकलनी चाहिए, इसका मतलब कौन कौन सी निकलनी चाहिए, आइदर रेड और व्हाइट. तो हमारे पास रेड कितनी है, 5, और व्हाइट कितनी है, 8, यानी हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 13. क्यों 13, क्योंकि रेड 5 है और व्हाइट जो है वो 8, तो 5 + 8 दैट मीन्स 13. सो फेवरेबल आउटकम्स आर 13 एंड टोटल आउटकम्स आर 17. सो आंसर इज 13/17. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक पिगी बैंक. पिगी बैंक मतलब आप जिसमें अपनी मनी जो सेव करके रखते हैं उसको पिगी बैंक बोलते हैं. उस पिगी बैंक के अंदर 50 पैसे के 100 कॉइन्स है, फिर 1 रूपी के 50 कॉइन्स है, 2 रूपीज के 20 कॉइन्स है एंड 5 रूपीज के 10 कॉइन्स है. इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन. मतलब जब आप इस पिगी बैंक को उल्टा करते हो तब इनमें से कोई एक कॉइन तो बाहर निकलता ही, ऐसा हमें सपोज कर लेना है. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी अ 50 पैसे कॉइन. 50 पैसे का कॉइन हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो. तो सपोज इवेंट ए के अंदर कॉइन विल बी ऑफ 50 पैसे. मान लो कॉइन 50 पैसे का, तो 50 पैसे के हमारे पास कितने कॉइन्स है, 100. अब टोटल आउटकम्स के लिए इन सभी कॉइन्स का सम करना पड़ेगा, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 180. तो हमारे पास है टोटल 180 कॉइन्स. तो फेवरेबल अभी उसमें से 50 पैसे वाले कितने हैं, 100. तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 100 और टोटल आउटकम्स हो गए 180. क्यों, क्योंकि हमारे पास 180 कॉइन्स टोटल है इसलिए. तो फेवरेबल आउटकम्स 100, टोटल आउटकम्स 180, 0 0 कट, 5 2 10, 9 2 80, 2 2 कट. सो आंसर इज 5/9. अब सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, द कॉइन टेकन आउट विल नॉट बी अ 5 रूपीज कॉइन. वो 5 रूपी का कॉइन नहीं होना चाहिए. तो सपोज इवेंट बी में कॉइन जो है वो 5 रूपी का नहीं. अब कॉइन 5 रूपी का नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, या तो वो 50 पैसे का होगा, या 1 रूपी का होगा, या 2 रूपये का. ये हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ना 13/17 उसके जैसा है. उसमें भी जिस तरीके से आपको बताया था कि मार्बल ग्रीन नहीं निकलनी चाहिए, यानी कि रेड या व्हाइट होगी, तो उसी तरीके से यहाँ पर 5 रूपये का कॉइन नहीं निकलना चाहिए. इसका मतलब वो कॉइन कौन सा होगा, या तो 50 पैसे का, या 1 रूपी का, या 2 रूपी का. तो फेवरेबल आउटकम्स हो कितने हो जाएंगे, तो 50 पैसे के कितने हैं, 100 कॉइन्स, 1 रूपी के 50 कॉइन्स एंड 2 रूपी के 20 कॉइन्स, यानी टोटल हमारे पास कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 170. सो फेवरेबल आउटकम्स आर 170 एंड टोटल आउटकम्स आर 180. सो आंसर इज 17/18. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11. गोपी अपने गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर इज एक्वेरियम. उसके घर में एक्वेरियम है, उसके लिए वो फिश परचेज करने आई है. शॉपकीपर टेक्स आउट ऑफ 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक. अभी शॉपकीपर एक टैंक में से रैंडमली फिश निकालता है जिसके अंदर पहले से 5 male fish है और 8 female fish है. 5 male fish एंड 8 female fish है. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश. तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो फिश निकली है वो मेल फिश होनी चाहिए. तो अब देखो हमारे पास 5 male fish है और 8 female fish है, दैट मीन्स टोटल हमारे पास कितनी फिश हो जाएंगी, 13 फिश. तो हमारे पास टोटल 13 फिश है. नाउ हमें क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी किसके फाइंड करनी है कि फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, मेल फिश निकलनी चाहिए. तो सपोज इवेंट ए के अंदर जो फिश निकली है वो मेल फिश है. तो अभी टोटल हमारे पास कितनी फिश है, 13, उसमें से मेल फिश कितनी है, 5. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि हमें कौन सी वाली फिश निकालनी है, मेल, इसलिए. तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स यानी मेल फिश 5 एंड टोटल आउटकम टोटल फिश कितनी है, 13. सो आंसर इज 5/13.
Now question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. मतलब एक चांस का गेम है, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर फिगर दिया है, ये उसके अंदर एक एरो है और उसके ऊपर आपको 1 से लेकर 8 तक के नंबर्स दिए हैं और जब आप इसको रोटेट करते हो तो कोई भी एक नंबर पर आकर पॉइंट आउट करता है 1 से लेकर 8 तक, एंड दिस ऑल आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8. तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एरो विल पॉइंट एट 8. तो सपोज इवेंट ए के अंदर एरो 8 पे पॉइंट करता है तो यानी हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, सिर्फ 8 ही चाहिए. इसलिए हमारा फेवरेबल आउटकम कौन हुआ, 8, क्योंकि हमें सिर्फ 8 ही चाहिए. इसलिए अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो ये कितने नंबर्स है टोटल, एक ही नंबर, इसलिए हमारा फेवरेबल आउटकम कितना होगा 1, और हमें पास टोटल आउटकम्स कितने हैं 8. सो आंसर इज 1/8. देखिए आपको नंबर नहीं देखना है, कितने नंबर्स है वो देखना है. यहां पर नंबर 8 है बट वो कितने नंबर्स है, सिर्फ एक ही नंबर है, इसलिए आउटकम फेवरेबल आउटकम 1 एंड टोटल आउटकम 8. सो आंसर इज 1/8. नाउ इवेंट बी, एरो पॉइंट एट ओड नंबर, ओड नंबर पर पॉइंट करे. तो 1 से लेकर 8 तक में ओड नंबर्स कितने हैं, तो 1, 3, 5, 7, यानी हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हुए 4. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 4 एंड टोटल आउटकम्स आर 8. तो 4/8, 4 2 8, सो आंसर इज 1/2. नाउ इवेंट सी, एरो पॉइंट एट नंबर ग्रेटर देन 2, एरो 2 से बड़े नंबर के ऊपर पॉइंट करे. तो 2 से बड़े नंबर, तो 2 से बड़े नंबर लेकिन 8 तक के ही ना, तो उसमें फेवरेबल आउटकम कौन कौन से आएंगे, तो 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यानी हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हुए 6. सो फेवरेबल आउटकम्स 6 एंड टोटल आउटकम्स 8. 3 2 6 एंड 4 2 8, 2 2 cut. सो आंसर इज 3/4. नाउ इवेंट डी के अंदर एरो पॉइंट एट नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर पर करे. तो हमारे पास जो नंबर्स है जो एरो पे आने वाले वो भी 9 से छोटी है सबके सब. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 8 और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 8. तो 8/8, दैट मीन्स आंसर इज 1. यानी ये कैसी इवेंट हुई, सर्टेन इवेंट, कि आपको इसके ऊपर जो नंबर मिलेगा वो ऑलवेज लेस देन 9 ही होगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13. अ डायस इज थ्रोन वंस, डायस को आप एक बार थ्रो आउट करते. तो हमें पता है कि डायस के ऊपर के नंबर जो है वो कौन कौन से है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है वो कितने होंगे 6. नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, हमें प्राइम नंबर मिले. तो सपोज इवेंट ए में हमें प्राइम नंबर मिलेगा, तो प्राइम नंबर 1 से 6 में कौन कौन से होते हैं, तो 2, 3 एंड 5. तो फेवरेबल आउटकम से 2, 3 एंड 5. देखना, याद रखना कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है, 1 स्पेशल नंबर, इसलिए वो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कौन कौन से होंगे, 2, 3 एंड 5. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3. नाउ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 3/6, 3 2 6, सो आंसर इज 1/2. नाउ इवेंट बी के अंदर अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच का नंबर आना चाहिए. तो 2 और 6 के बीच का मतलब 2 और 6 को कंसिडर नहीं करना, तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 3, 4 एंड 5. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, यानी और टोटल आउटकम्स 6. तो 3/6, दैट मीन्स 1/2.
फिर उसी तरीके से सपोज इवेंट सी के अंदर ओड नंबर, आपको जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है वो ओड नंबर का है, तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से आएंगे, ओड नंबर है या नहीं, 1, 3 एंड 5, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 और टोटल आउटकम्स 6, 3/6 यानी 1/2 यानी 0.5। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टडी करेंगे। थैंक यू।